दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल वीके सिटीजन में और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो स्टार्ट करूंगा मैं आज अपने पहले क्वेश्चन से और पहला क्वेश्चन है AICTE की फुल फॉर्म क्या है। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं हमारे इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टेक्निकल बोर्ड्स हैं, वो जो हमें डिग्री प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो PU की हो, चाहे वो किसी भी उसकी यूनिवर्सिटी हो, बट वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और उसका अप्रूवल होना चाहिए AICTE से। अगर AICTE उसको अप्रूवल नहीं देती है, फिर आप चाहे उस कॉलेज से या फिर उस यूनिवर्सिटी से अगर आप अपनी डिग्री पूरी कर भी लेते हो, तभी भी आपकी उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी, बिकॉज ऑफ उसको अप्रूवल नहीं मिला है AICTE की तरफ से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस कॉलेज से हम स्टडी कर रहे हैं जो कि टेक्निकल होगा, वो AICTE ही अप्रूवल हो, बिकॉज ऑफ ऐसा होना रिक्वायर्ड भी है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है AMIE की फुल फॉर्म क्या है। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स। और दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं जो नॉन टेक्निकल है लाइक BA हो गई, MA हो गई, इसको आप घर बैठे कर सकते हो, यानी सिंपल सी हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस से भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। लेकिन टेक्निकल जो एजुकेशन होती है इसके केस में क्या होता है कि हम घर बैठे अपनी BTech नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो AMIE है ये एक ऐसा एक समझ लीजिए यूनिवर्सिटी है या फिर ऐसा बोर्ड है जो कि बच्चों को BTech प्रोवाइड करता है, वो घर बैठे भी BTech कर सकते हैं, जिसको हम एक नाम देते हैं पार्ट टाइम BTech। तो AMIE इसी के लिए जाना जाता था कि वो ओपन BTech कराता था स्टूडेंट्स को। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या दोस्तों, आफ्टर 2015 इस पे केस चल रहा था पहले से ही, और शायद उस पे जो एक जुडिसी आई, मतलब एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना ही था कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी बोर्ड ओपन टेक्निकल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब लोगों को पार्ट टाइम BTech नहीं करनी है, उनको फुल टाइम ही BTech करनी है, तभी उनकी डिग्री वैलिड होगी। तो ऐसा था दोस्तों, और AMIE पे अभी तक केस चल ही रहा है, देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन निकलता है। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है AMUL यानी अमूल की फुल फॉर्म क्या होती है। और दोस्तों इसका आंसर है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, अमूल कंपनी 1946 में फाउंड की गई थी और जो इसके फाउंडर थे वो त्रिभुवन दास पटेल थे। और दोस्तों ये जो कंपनी है अमूल, ये वर्ल्ड वाइड में है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं जब ये फाउंड की गई थी तो इसका जो मेन काम था वो दूध का होता था, यानी मिल्क का होता था। और आज के टाइम पर अगर हम देखें जो प्रेजेंट इसकी सिचुएशन है, ये हर प्रोडक्ट इनसे रिलेटेड ही है। जैसे कि अमूल का बटर भी आता है, अमूल की लस्सी आती है, अमूल का मिल्क आता है, तो बहुत से प्रोडक्ट इन्होंने आज के टाइम पे अपने लॉन्च कर रखे हैं। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ASP की फुल फॉर्म क्या है। और इसका आंसर है एक्टिव सर्वर पेज। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ATA की फुल फॉर्म क्या है। और इसका आंसर है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AM & PM की फुल फॉर्म क्या है। और इसका आंसर है AM की फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम और PM की फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियम। और दोस्तों इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक AM चलता है और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक PM चलता है। आपको समझ में आ जाएगा जब आप घड़ी पे देखोगे अपनी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है BCCI की फुल फॉर्म क्या है। और इसका आंसर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। और दोस्तों इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी टीम इंडिया है
उसका कर्ता धर्ता बीसीसीआई है, यानी बीसीसीआई ही उनको सैलरी प्रोवाइड करता है, उनको हर तरह की फैसिलिटी उनको बीसीसीआई ही देता है, बिकॉज ऑफ बीसीसीआई टीम इंडिया का बोर्ड है और जो कि इंडिया में हर तरह की क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे वो किसी भी तरह का क्रिकेट हो, उसको ऑर्गेनाइज करता है बीसीसीआई। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसके बारे में मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ कि भीम ऐप को नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2016 को लॉन्च किया था और इसका पर्पस था इंडिया में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BIOS की फुल फॉर्म क्या है? और इसकी फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है BIFR की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMI की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है बॉडी मास इंडेक्स। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMR की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है बेसल मेटाबॉलिक रेट। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BMT की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है BPL की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है बिलो पॉवर्टी लाइन। और दोस्तों इसके बारे में मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों हमारे देश में हर एक सिटीज़न के पास यानी हर एक फैमिली के पास राशन कार्ड है, और वो राशन कार्ड दो कैटेगरी में बटा हुआ है, एक APL और दूसरा BPL। BPL का मतलब होता है दोस्तों बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गरीबी रेखा से नीचे, यानी हमारे देश में जितने भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और उनके पास वो राशन कार्ड है, तो उनको सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसके हिसाब से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, और इसी का बोलते हैं हम BPL। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, APL की फुल फॉर्म क्या होती है? और इसका आंसर है अबव पॉवर्टी लाइन। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ही है कि हमारे देश में दो तरह के कैटेगरी के राशन कार्ड होते हैं, एक BPL और एक APL, और APL को बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर। दोस्तों इनको भी फैसिलिटी दी जाती है सरकार की तरफ से, बट जितनी फैसिलिटी BPL कार्ड को मिलती है उससे थोड़ी सी कम फैसिलिटी APL वालों को मिलती है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, BUN की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, CCC की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGI की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIF की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, WWW की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।